अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने कल अरकाने इस्लाम का जो है सबक पढ़ा, आधा बकाया रहता है, आज हम वो पढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब अगला सबक जो है हम स्टार्ट करते हैं। रोज़ा महक अस्त था खुद बेतर्क इन्हा बेथवानत गुफ्त रज़ाय खुदा। रोज़ा एक सोटी है, महक का मतलब होता है कसौटी, रोज़ा एक कसौटी है, ता खुद ताके अपने आप को बेतरक इन्हा इन चीज़ों को बेतवानत गुफ्त दर रज़ाए खुदा खुदा की रज़ा के लिए अलविदा कर सके। रोज़ा एक कसौटी है ताकि वो अपने आप को इन चीज़ों को खुदा की रज़ा में अलविदा कर सके। या इन गालब अस्त, या ये गालिब हैं वा और नमी गुजारत नहीं छोड़ती कि दर रज़ाए खुदा खुदा की रज़ा के लिए कोशिश करे। माल अज महबूबात अस्त, माल महबूब या प्यारी चीज़ों में से है। ज़कात दादन महकियस, ज़कात देना एक कसौटी है। अम्मा नमाज बौरा इन हमी अरकान अस्त, बहरहाल नमाज इन तमाम अरकान से बढ़ती है। अज अलामत मोहब्बत, मोहब्बत की अलामत में से कसरत ज़िक्र महबूब अस्त, महबूब का ज़िक्र कसरत से करना है। व नमाज ज़िक्र महबूब अस्त, और नमाज महबूब का ज़िक्र है। बाहर के नमाज दोस्त न दौरत, जो नमाज को दोस्त नहीं रखता, जो नमाज को पसंद नहीं करता। नशान ऑनस्त, इस बात की अलामत है कि खुदा महबूब उन्नीस, के खुदा उसका महबूब नहीं है। आगे ईमान। बरादरे अज़ीज़ हदायत बदायत ईमान तस्दीक दिल अस्त, ए प्यारे भाई बदायत ईमान, ईमान का आगाज़ तस्दीक दिल अस्त, दिल की तस्दीक होती है। चुनान के शक रादर अन मजाल न बवत, जैसा कि शक को इसमें कोई गुंजाइश नहीं। चुन इन माया अ तस्दीक दर दरून हासिल बवत, जब ये दौलत तस्दीक के बातन से हासिल हो जाती है। आदमी राबर अंदारत इंसान को इस हाल पर रखती है, हरकत और सकनात खुद बेहुकम शरा कुनंद, कि वह अपनी हरकत और सकनात को शरा के मुताबिक करता है। चुन चिनिन बवद उन रा खुद रा नमायद अज जनाब अजल, जब ऐसा हो जाता है तो वो खुद उसकी रहनमाई बारगाह अजल से करता है। अजतात हदायत खिजत, अतात हदायत से हासिल होती है, बेदार होती है, उठती है। चुन हदायत पदीदीद आयत, जब हदायत ज़ाहिर हो जाती है। अन तस्दीक दिल यकीन करता तो वो दिल की तस्दीक यकीनी हो जाती है। चुन मेवा ये क्या खामी बेपुख्तगी रसद, जबकि कच्चा फल पुख्तगी तक पहुंच जाता है। ये हमारा जो सबक है ये ख़त्म हो गया हुआ है। अब हम करते हैं पुरसिश यानी सवालात। सबसे पहला सवाल है, बराये चे नमाज और रोज़ा और ज़कात हज वाजिब आमद, नमाज रोज़ा ज़कात और हज जो है किस मकसद के लिए फ़र्ज हुए। इसका जवाब है, नमाज़ो रोज़ा ज़कात और हज बराए हसूल सआदत अबदी वाजिब आमद, नमाज रोज़ा ज़कात और हज हमेशा की सआदत के हसूल के लिए फ़र्ज हुए। सआदत अज़चे मिखिज़त, सआदत किस से हासिल होती है। सआदत अज़ मोहब्बत खुदा मिखिज़त, सआदत अल्लाह ताला की मोहब्बत से बेदार होती है। अलामत गलबा मोहब्बत खुदा चे बवत, अल्लाह ताला की मोहब्बत के गलबा की अलामत क्या होती है। अलामत गलबा मोहब्बत खुदा अनबवद, के महबूबात दिगरा दार उतवानत बात, खुदा की मोहब्बत के गलबा की निशानी ये होती है कि दूसरी पसंदीदा चीज़ों को इसमें खो दे। सवाल नंबर चार है, ज़िक्र महबूब चीस्त, महबूब का ज़िक्र चीस्त क्या है। नमाज ज़िक्र महबूब अस्त, नमाज महबूब का ज़िक्र है। सवाल नंबर पाँच है, चुन हदायत पदीदीद आया चे मिशवत, जब हदायत ज़ाहिर होती है तो क्या होता है। जवाब है इसका, अन वक्त तस्दीक के दिल के यकीन करदद, उस वक्त दिल की तस्दीक यकीनी हो जाती है। दस अल्फाज जुमलों में इस्तेमाल करें।
नमी गुजारत नहीं छोड़ती, दोस्तां दारत पसंद नहीं करता, चुन जब हार के जो मेवा फल, नमी गुजारत अगर मोहब्बते महबूबात गालबस्त, नमी गुजारत के इंसान दर्जाए खुदा कोशद, अगर प्यारी चीज़ों की अगर चीज़ों की मोहब्बत गालब आ जाए तो वो इंसान को अल्लाह ताला की रज़ा की कोशिश करना नहीं छोड़ती। दोस्त ना दारत, इसका ये भी जुमला हो सकता है, ये भी इसका उमरा दोस्त ना दारुत, उमरा दोस्त ना दारुत, चुन का जुमला ये भी हो सकता है, चुन उ आमत मान इंजा ना बूतम, जब वो आया मैं यहाँ नहीं था, ये जुमला ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, चुन आप आयत तयम्मम बर्खास्त, जब पानी यसर आया तो तयम्मम उठ गया। हर के का जुमला है, हर के आमद अमारत नौ साख्त, हर के आमद जो कोई आया उसने नई इमारत बनाई, हर के आमद अमारत नौ साख्त, इन मेवा तुरशस्त ये फल खट्टा है, इन मेवा तुरशस्त ये फल खट्टा है। सवाल नंबर दो है, दस जाल मसादर से फेल मुस्तकबिल की गर्दान तर्जमे समेत बनाएं, तो फेल मुस्तकबिल हम कर चुके हैं, इसके बनाने का कायदा ये है, फेल मुस्तकबिल है क्या, फेल मुस्तकबिल वो फेल है जिसमें आने वाला ज़माना पाया जाए, इसके बनाने का कायदा ये है, माजी मुतलिक से पहले खाहद लगा दिया जाता है और तब्दीली जो है वो खाहद के सिगा में होती है, मस्तर में नहीं होती, जैसे बाख्तन है तो इसका हमने माजी मुतलिक बनाया, बाख्त आ गया इससे पहले हमने खाद लगा देना है, तो जो तब्दीली आनी है वो खाद के सिगा में आनी है, जैसे खाहद बाख्त, खाहंद बाख्त, खाही बाख्त, खाहिद बाख्त, खाहम बाख्त, खाहिम बाख्त, वो हारेगा वो हारेंगे, तू हारेगा तुम हारोगे, मैं हारूंगा हम हारेंगे। इसी तरह अगला है रसीदन, रसीदन से हमने इसको माजी मुतलिक बनाया तो रसीद आ गया और इससे पहले हमने खाहद लगाना है, खाहद रसीद। इसी तरह जैसे पहले हमने बाख्त का की गर्दान की, इस तरह हम रसीदन की भी गर्दान करेंगे, रसीद हमारे पास हासिल मजदर है, इसे पहले हमने खाहद लगा दिया, खाहद रसीद, खाहंद रसीद, खाही रसीद, खाहिद रसीद, खाहम रसीद, खाहिम रसीद, वो पहुँचेगा वो पहुँचेंगे, तू पहुँचेगा तुम पहुँचोगे, मैं पहुँचूँगा हम पहुँचेंगे। गश्तन की गर्दान है फिर मुस्तकबिल की, जिस तरह पहले दो गर्दानें आपने की ये भी इसी तरह करनी है। गश्तन का मतलब है लौटना वापस आना, तो इसका हमने पहले जो है वो माजी मुतलक बनाया, गश्त हो गया और उसके साथ हमने खाद लगाया, जैसे खाद गश्त, खाहंद गश्त, खाही गश्त, खाहिद गश्त, खाहम गश्त, खाहिम गश्त, वो लौटेगा वो लौटेंगे, तू लौटेगा तुम लौटोगे, मैं लौटूंगा हम लौटेंगे। ये था आपकी गर्दानें तीनों, फिर मुस्तकबिल की बनाने का कायदा भी आपको बता दिया, साथ मैंने तर्जुमा भी बता दिया। अब आगे है क्वेश्चन नंबर तीन है, दस ज़र अल्फाज की जमा बताएं, रोज़ा रोज़ा हा, रोज़ा की जमा है रोज़ा हा, सादत की जमा है सादत हा, फरजंद फरजंदान, दिल दिल हा, मेवा मेवा हा। ये आज का चैप्टर था, वो जो पकाया रहता था वो भी हम कर चुके, कोशिश भी हमने कर ली है, तमरीन भी कर ली, आप अच्छी तरह याद कर लें, उसके बाद जब ये तीन चार चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपसे टेस्ट लूँगी और अपनी ये सारी जो मैंने करवाई हुई है, कोशिश भी, सवालात के जवाब भी, तमरीन भी और तर्जमा भी, तशरीह भी, ये सारे का सारा जो है मैंने आपका किस दिन टेस्ट लूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।